हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको लीवर को हेल्दी रखने के लिए और फैटी लीवर जैसी परेशानियों में फ़ायदेमंद एक होम रेमेडी के बारे में बताऊंगा, जिसे रोज़ 2 चम्मच पीकर आप लीवर को हेल्दी रख सकते हैं और फैटी लीवर जैसी परेशानियों में भी आराम मिलता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दिवाली की मुबारकबाद। सेहत के लिए बहुत सी उपयोगी जड़ी बूटियां हमारे आसपास ही मिलती हैं, पर उनको पहचान नहीं पाते तो इनका हम सही से उपयोग भी नहीं कर पाते। तो ऐसी ही एक जड़ी बूटी है भूमि आंवला, जो कि पूरे भारत में आपको हर जगह मिल जाएगी और बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी है छोटे और बड़े सभी के लिए। आपने दोस्तों देखा होगा कि गर्मी से बरसात के दिनों में आपके गार्डन में, पार्क में या कहीं भी जहाँ थोड़ी सी नमी होती है, वहाँ इस तरीके के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं जिनकी लंबाई अमूमन 6 इंच से 2 फीट के आसपास होती है। यही भूमि आंवला है। ये एक बहुत ही उपयोगी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और बहुत से रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। इसको भूमि आंवला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पौधा आंवले के पेड़ के समान ही होता है। उसी की तरह इसकी पत्तियाँ होती हैं, वैसे ही इसमें फल लगते हैं, पर इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको भूमि आंवला कहते हैं। देखिए, आंवले की तरह इसमें फल लगते हैं। यही भूमि आंवला है। ये आपको हर जगह लगा मिल जाएगा। अभी आप देख रहे हैं, ये पत्थर के बीच में भी थोड़ी नमी होने से वहाँ भी उगाया है और ये इसका पूरा का पूरा प्लांट ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल वायरल हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, जॉन्डिस, भूख ना लगना, एसिडिटी, छोटे बच्चों में होने वाली यूआरटीआई में इसका इस्तेमाल होता है और बहुत सी ड्रग में अकेले ही इनसे बनती हैं, जैसे कि न्यूरोसिल टैबलेट, जिसका इस्तेमाल वायरल हेपेटाइटिस और फैटी लिवर के लिए होता है, या न्यूरोसिल सिरप, जो छोटे बच्चों के इन्फ्लुएंजा, सोर थ्रोट आदि में इस्तेमाल होती है, और ये च्यवनप्राश में भी इसका बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इसको पहचानना आसान है। इसमें इसकी पत्तियों के नीचे छोटे छोटे आंवले जैसे फल लगेंगे। हर पत्ती के नीचे एक फल लगा होता है। ये देखिए, दिख रहा है, छोटे छोटे से इसमें फल आपको दिखाई देंगे, ये आंवले जैसे, और इसकी पत्तियां सेम आंवले की तरह होती हैं। पर इसको पहचानना बहुत आसान है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और ये सभी के लिए सेफ है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना आप सीखें। दोस्तों, हमने कुछ पौधे वहाँ से उखाड़ लिए थे और उनकी जड़ों को हमने काट के अलग कर दिया है। जो पौधे 2 फुट से ऊंचे हों उनको जड़ों से नहीं उखाड़ना है, उनको ऊपर से थोड़ा आप कट कर लें। ये इसको आपको काटने से कोई, तोड़ने से कोई मना नहीं करेगा क्योंकि हर जगह उपलब्ध रहता है। और जो छोटे पौधे हों उनको पूरा उखाड़ लें, जो क्योंकि इसका पूरा का पूरा ही पौधा इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद उनको आप अच्छे पानी में, जैसे आप कोई भी साग लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो उसको वॉश करते हैं, ऐसे ही 2-3 बार वॉश कर लीजिए ताकि इसकी धूल मिट्टी वगैरह निकल जाए। वॉश करने के बाद फिर हम इसका जूस निकालेंगे। जूस निकालने के लिए पहले हमने जो बड़े पौधे थे उनकी पत्तियां अलग कर ली हैं। एक मुट्ठी भर हमने पत्तियां ले ली और उसको जूसर में, मिक्सर में डालते हैं और उसमें हम 20 ml पानी मिलाते हैं और उसके बाद इसका हम जूस छान लेते हैं। ये जूस बिल्कुल फ्रेश जूस होता है। ये इसका मोस्टली फ्रेश जूस ही इस्तेमाल करना चाहिए, और नहीं तो इसका पाउडर भी मिलता है, पाउडर भी इस्तेमाल होता है इसका। फ्रेश जूस बन गया, यही आपको इस्तेमाल करना है। ये टेस्ट में थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए अगर जिनको बहुत का टेस्ट अच्छा ना लगे वो शहद या मिश्री मिलाकर के पी सकते हैं। हेल्दी इंडिविजुअल जिनको अपने लीवर की हेल्थ अच्छी रखनी है वो 10 ml सुबह खाली पेट एक बार लें, रोज़ लें, ताज़ा लें। और जिनको कोई लीवर की परेशानी है, फैटी लीवर है, जॉन्डिस है, वायरल हेपेटाइटिस है, उनको 20 ml के आसपास रोज़ पीना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनको 1.5 ml शहद मिला करके दें। मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।